खबर गिरिडीह से, जहां दिव्यांग जन कल्याण संघ की विशेष बैठक झंडा मैदान में आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता राजेश तिवारी ने की। बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया कि आगामी 26 नवंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन के लेकर यह बैठक आयोजित की गई है। साथ ही साथ 2 दिसंबर तक अगर मांग पूरा नहीं हुआ तो 3 दिसंबर को विकलांग दिवस के मौके पर काला बिल्ला लगाकर सरकार के खिलाफ रोष प्रकट किया जाएगा। दिव्यांग जन कल्याण संघ जिला अध्यक्ष, आज हम लोग विशेष बैठक कर रहे हैं। मासिक बैठक तो ऐसे हर महीने की 3 तारीख को होती है। आज विशेष बैठक इस पर है कि 26 ग्यारह 22 को हम लोग रांची में मुख्यमंत्री को भी मांग पत्र सौंपे थे, जो कि अभी तक किसी तरह का पूरा नहीं हुआ। यहाँ जिला प्रशासन उपायुक्त महोदय के भी सौंपे थे, जिस पर किसी तरह का पहल नहीं किया गया। उसी के विरोध में हम लोग झारखंड सरकार के विरोध रांची में मुख्यमंत्री आवास के सामने 26 नवंबर से अनिश्चितकालीन धरना देने जा रहे हैं। और विश्व विकलांगता दिवस हम लोग इस बार उत्साह का, खुशी का नहीं मनाएंगे, काला दिवस मनाएंगे। और अधिक से अधिक लोग हम लोग यहाँ से रांची के लिए रवाना होंगे। 3 दिसंबर तक अगर हम लोग का मांग पूरी हो गई तो फिर हम लोग यहाँ पर 3 दिसंबर खुशी से मनाएंगे, अन्यथा काला दिवस के रूप में मनाएंगे। आगे अभी विचार होती है।